अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू चैनल देखो सी कर चैनल में आपका दोस्त आपका होस्ट अरबाज। Xiaomi Redmi Note 11 की बात करेंगे। Note 11 की दोस्तों कितनी सीरीज आई है, सीरीज में कितने नए प्रोडक्ट्स फोन आए हैं। दोस्तों इसमें तीन फोन आए हैं नोट 11 में, एक है नोट 11 सिंपल, दूसरा है प्रो और तीसरा है नोट 11 प्रो प्लस। अब दोस्तों हम बात करेंगे नोट 11 प्रो की जो कि पाकिस्तान मार्केट में रिलीज होने वाला है। प्राइस की बात करें तो दोस्तों 48,000 पाकिस्तान मार्केट में दोस्तों की प्राइस होगी। अब बात करते हैं फीचर डिटेल और स्पेसिफिकेशन की। दोस्तों सबसे पहले आते हैं इसके डिस्प्ले स्क्रीन जो कि 6.67 इंच की लार्ज डिस्प्ले स्क्रीन है एमोलेड डिस्प्ले पैनल के साथ, 16 मिलियन मल्टी टच कलर के साथ दोस्तों आपको अवेलेबल है एमोलेड स्क्रीन। दोस्तों बात करें अब इसके प्रोसेसर की तो दोस्तों सबसे पहले आता है इसमें प्रोसेसर कौन सा लगा, ऑक्टा कोर का दोस्तों प्रोसेसर लगा है। चिपसेट की बात करें तो दोस्तों चिपसेट में इसमें डायमेंसिटी 925G का चिपसेट लगा है। इस तरह जीपीयू ग्राफिक्स की बात करें तो दोस्तों उसमें मली G68 का हमारे पास जीपीयू मिलता है हमें। आगे चले दोस्तों बात करें कि इसके डिस्प्ले स्क्रीन में हमें गोरिल्ला ग्लास मिल रहा है नहीं, तो दोस्तों गोरिल्ला ग्लास हमें नहीं मिला, जिस कॉर्नर और एजेस है वहां पे गोरिल्ला ग्लास लगा हुआ है, गोरिल्ला ग्लास 5mm का। आगे चले दोस्तों बात करेंगे इसके हमारे पास इसमें मेमोरी हमारे पास में बिल्ट इन कौन सा मिल रहा है, तो दोस्तों हमें दो वेरियंट में इसमें मिल रहा है। एक मिल रहा है 6GB 128GB के साथ, यानी कि 6GB रैम और 128GB रोम। दूसरी बात करें तो दोस्तों दूसरा वेरियंट हमें मिल रहा है इसमें 8GB 256GB का, यानी कि 8GB और 256GB रैम रोम हमारे पास में मिल रहा है। जैसे आप प्राइस बढ़ा देंगे आपकी चीजें भी स्पेसिफिकेशन भी बढ़ जाएगी। अगली बात करें दोस्तों इसका जो मेन फोन में एक चीज होती है वो क्या है, कैमरा। कैमरा की बात करें तो इससे बैक कैमरा है उसमें ट्रिपल कैमरे, तीन कैमरे। उसमें मेन जो कैमरा है दोस्तों वो 108 मेगापिक्सल का है दोस्तों। सेकंड मेगा जो कैमरा है दोस्तों वो है 8 मेगा, जो मेन है वो 108 मेगापिक्सल का, जो सेकंड है वो सिंपल 8 मेगापिक्सल का है, वो है दोस्तों अल्ट्रा वाइड। और जो तीसरा है वो मैक्रो है, वो 2 मेगापिक्सल का। और इसमें साथ हमें दोस्तों चौथी चीज जो मिल रही है एलईडी फ्लैश लाइट हमें बैक में भी मिल रही है। फ्रंट की बात करें तो फ्रंट का कैमरा इतना कोई खास अच्छा नहीं है, 16 मेगापिक्सल का मिल रहा है जिसमें एलईडी फ्लैश लाइट मिल रही है। 1080p के साथ हमें वीडियो रिकॉर्डिंग मिली और 30fps हमारे इसमें डिस्प्ले स्क्रीन का रेट मिल रहा है। अगर बात करें दोस्तों की बैटरी टाइमिंग कैसे होगी, तो बैटरी टाइमिंग देखे इसके यकीनन बहुत हैरान हुए। मैंने जब Redmi Note 11 में बनाई थी उसकी बैटरी टाइमिंग इतनी अच्छी नहीं थी, यानी फास्ट चार्जिंग नहीं थी, मगर इसकी तो बहुत ही बेहतरीन है। 5160mAh की दोस्तों की लिथियम प्रो नॉन रिमूवेबल फास्ट चार्जिंग बैटरी दोस्तों आप हैरान होंगे। 67 वाट की चार्जिंग है दोस्तों, यानी कि 40 मिनट में 100% चार्ज करेगा, तकरीबन 38-35 में भी ये कर देगा, इतना फास्ट चार्जिंग। आपने 40 मिनट में पूरा दो दिन जो फोन यूज कर रहा हूँ आपको 40 मिनट में चार्ज हो, क्या बेहतरीन दोस्तों इसकी बैटरी टाइमिंग फास्ट रही। Redmi की इसी वजह से इनकी चार्जिंग बहुत ज्यादा फास्ट होती है दोस्तों। अगर देखा जाए कि मार्केट में पाकिस्तान मार्केट में किस तरह की फोन क्या रीसेल चलेगी, किस तरह बिकेगा, क्या होगा, तो दोस्तों अभी तक जितना मैं इंटरनेट पे देख रहा हूँ तो इसने इंटरनेट को पूरा फायर पे आग लगाई है इंटरनेट को। दोस्तों अभी तक मार्केट में अवेलेबल नहीं हुआ, एक दो हफ्ते में इसी महीने में हो जाएगा। आने से पहले इसमें इतनी अंतर चाहिए क्योंकि दोस्तों कम पैसे में इतना बेहतरीन फोन है। 48,000 में आपको 8GB 256GB 108 मेगापिक्सल मिल रहा है, लिथियम प्रो नॉन 5000mAh की बैटरी, हाईली मैं आपको रिकमेंड करूंगा जब मार्केट में फोन, तो ये बहुत बेहतरीन होगा, इसको जरूर आप ट्राई करें। या जिन्होंने लेने ऐसा लोग ट्राई बहुत ज्यादा करते हैं, फोन जो चेंज करते रहते हैं। दोस्तों अगर आज की वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।